यह भी प्रश्न बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स डिग्री लेवल ट्रिगोनोमेट्री में पूछे जाते हैं। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है कि कॉस 2 पाई बाई 7, कॉस 4 पाई बाई 7, कॉस 6 पाई बाई 7 बराबर 1/8 को प्रूव्ड करना है। तो इसके प्रूव्ड करने के लिए भी आपको जो द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के जो डाटा होता है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। द्विघात समीकरण निकालने के लिए आपको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, त्रिघात के लिए ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0, इसी फॉर्म पर हमको देखना पड़ेगा। तो ये कॉस में है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे विनोद 8x³ - 4x² - 4x + 1 = 0। ये आपको 3 गो रूट देगा, अल्फा बीटा और गामा वाला रूट देगा। इसी आधार पर हमको ये सोल्यूशन इस प्रश्न का सोल्यूशन हमको कर लेना है, जो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है इसका कंपेयर इसी फॉर्म में होगा bx² + cx + d = 0। तो इसी फॉर्म से हम इसका कंपेयर करके यहाँ निकाल लेते हैं। चूँकि cos 2 पाई बाई 7 इंटू cos 4 पाई बाई 7 इंटू cos 6 पाई बाई 7, तो आप इस तरह के जब भी प्रश्न हल कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, तो आपको इस तरह से कुछ ना कुछ आपका ऑलरेडी डाटा दिया हुआ रहेगा। और नहीं तो cos के लिए आप इस तरह से डाटा यूज कीजिएगा, sec के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, इस तरह से डाटा यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एबव इक्वेशन, अर्थात ये अब क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, यानी अल्फा इंटू, आप लोग पढ़े होइएगा, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, यानी ये पूरा वैल्यू क्या होता है, वह सी बाई ए पढ़े होइएगा, तो इसमें डी बाई ए आएगा। 3 गो वाला में डी बाई ए आता है, 2 गो वाला में सी बाई ए आता है। तो इसको लिख सकते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ डी, चाहे जो डी का वैल्यू है वो, यानी डी बाई सीधे क्या कर दीजिएगा, ए कर दीजिएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए डी के संगत वैल्यू क्या है, 1 है, और इसका जो संगत वैल्यू क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, तो 1/8। तो देखिए cos 2 पाई बाई 7 इंटू cos 4 पाई बाई 7 इंटू cos 6 पाई बाई 7 बराबर 1/8, इतना ही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए कितना आसानी से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व कर लिए, बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भी प्रश्न था।